हेलो गाइस, वेलकम टू आर्क एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। मैं नितिन तिवारी। आज हम यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के कैंप की तैयारी करने के लिए आए हैं। तो सब यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लीनलीनेस, ग्राउंड क्लियर करना। तो ये हमारा फील्ड है जहाँ पर हम टेंट लगाते हैं और रात भर हम स्टारगेजिंग का प्रोग्राम करते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा डॉर्मेटरी है, जहाँ पर रात को लोगों का अगर रुकना है तो वो वहाँ पर रुक सकते हैं। वहीं पे हमारे वॉशरूम्स है, तो अभी उसका क्लीनलीनेस का प्रोग्राम चल रहा है। सो यहाँ के लोग उसको साफ सफाई कर रहे हैं। ये है लोकेशन यहाँ का, आप देख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ का और लोकेशन दिखाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा काम हो जाए तो। ठीक है गाइस, तो ये जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था डॉर्मेट्रीज, तो ये है डॉर्मेट्री। तो आइए देखिए अंदर कैसा है डॉर्मेट्री। तो ये है हमारा डॉर्मेट्री। यहाँ पे हम हमारा नॉर्मली सेशंस लेते हैं, कोई प्रेजेंटेशन करना हो या कोई एक्टिविटीज करनी हो। और फिर रात में अगर किसी को टेंट में नहीं रुकना है तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी तो टेंट आप यहाँ पे लगाकर रात भर यहाँ रुक सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम इसका यहाँ का लोकेशन का आपको और डिटेल्स शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है ये, सो प्लीज़ देखते रहिए ये वीडियो। तो अभी हम आपको यहाँ का रास्ता दिखाएंगे कि हम कैसे कैसे किन किन रास्तों से गुजरते हुए मंजिल तक पहुँचते हैं। तो आपको यहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ, तो देखिए। सो ये है रास्ता, काफ़ी हरा भरा है। अभी जस्ट मानसून ख़त्म हुआ है, इस वजह से काफ़ी हरियाली है। सो बहुत ही बढ़िया प्लेस है कैंपिंग के लिए स्पेशली। तो हम रात भर इसी लोकेशन पर रहते हैं। ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था ग्राउंड, जहाँ पे हम टेंट लगाकर हमारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्काई ऑब्जर्वेशन का प्रोग्राम। और ये है रास्ता। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑफिस की तरफ। तो ये सीमेंटेड रोड है छोटा सा। ये है रास्ता, ये है अनदर पर्सन पराग ठक्कर फ्रॉम आर्क एजुकेटर्स। तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। काफी इंटरेस्टिंग रास्ता है। सोचिए आप रात भर इसी लोकेशन में रहेंगे। आई नो, रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल पूरा मान जाएगी। चलो जंगल के बीच से। और ऐसा रास्ता हो तो कभी मंजिल की तलाशी कोई क्यों करे। मन तो डेफिनेटली करेगा रात को अंधेरे में। बट दिन में रहेगा तो मंजिल क्यों ढूंढेगा, वो तो ऐसे ही चलते रहेगा, एंजॉय करेगा। yes, इस लोकेशन को। और दोस्त साथ में हो तो फिर रात की भी क्या परवाह। हमने तो कितने ऐसे रास्ते साथ में तय किए रात में। True. पता है एस्ट्रोनॉमी का सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जब हम नॉर्मली एस्ट्रोनॉमी कैंपिंग में आते थे तो नॉर्मली हम रात में पहुंचते थे तो आसपास का लोकेशन नहीं पता चलता था। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होती थी तब हमें रियल में ऐसे लोकेशन देखने मिलता था। तो वो मतलब इतना अच्छा फीलिंग होता था कि रात भर हम ऐसे लोकेशन में थे। वाव फैक्टर था।
अब तो हम कोशिश करते हैं कि दिन में ही पहुंच जाए, क्योंकि टेंट का अरेंजमेंट होता है और भी काफी चीजें होती है। सिटी लाइफ से दूर, हाँ, और वो ऐसा भी नहीं कि आपको घंटों सफर करके जाना है, बस हार्डली अगर आप थाने मुलुंड एरिया में हो तो हार्डली 1.5 से 2 घंटे में आप इस लोकेशन पे पहुंच जाते हो, एक्सेप्ट अगर ट्रैफिक ना हो तो, वरना ट्रैफिक है तो और एक एक्स्ट्रा 1 आवर आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, बट दैट्स फाइन, आपको 7-8 घंटा ट्रैवल करना नहीं पड़ता, ताकि फिर क्या होता है नॉर्मली हम इतनी दूर जाते थक जाते फिर एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग कम है, ये देखिए, ये है अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, वाव फैक्टर, ये है पॉन्ड यहाँ का। सो अभी जस्ट बारिश खत्म हुई है तो पॉन्ड है थोड़ा भरा हुआ, वैसे तो कहते हैं कि ये गर्मियों के टाइम पे भी थोड़ा भरा होता है। पूरी अगर आपको विलेज का फीलिंग लेना हो, गांव का फीलिंग, तो सबसे बेस्ट प्लेस है, सुकून सुकून भरी जिंदगी। ये है यहाँ का कुआं, तो नॉर्मली वॉशरूम्स के लिए जो भी पानी आता है इस कुएं से आता है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। गांव वाले यहाँ के बता रहे थे कि यहाँ पे बीच में कोई टेंपल बनाने का उनका विचार चल रहा है सेंटर में, बट मेरा मानना है कि जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना खूबसूरत जगह है, आप कहीं पास में बना सकते हैं टेंपल। यहाँ पे एक छोटा सा बोटिंग सेशन हो सकता है, पैडल बोटिंग, पैडल बोटिंग या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को रात में भी ट्रैकिंग के लिए ला सकते हैं, स्मॉल वॉक के लिए रात में भी मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा वो पॉन्ड के पास वाला एरिया रिस्की है, अदरवाइज ये पूरा सीमेंटेड रोड बना हुआ है लोगों के लिए। बहुत ही मजेदार रास्ता है, देखिए जैसे चारों तरफ हरियाली हरियाली है, एकदम मुंबई के नजदीक, और रात में भी स्काई काफी अच्छा दिखता है। हमारे अकाउंटेंट आर्क एजुकेटर्स के करता धरता, यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो जाता है किचन की तरफ, जहाँ पर हम लोगों को येलो फ्लावर्स का गार्डन, या हमारी अधूरी कहानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारी अधूरी कहानी। वैसे फोटोग्राफर्स जो भी है उनके लिए भी बेस्ट प्लेस है, दे कैन क्लिक वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स हियर, एंड इवन जो बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए भी काफी चीजें है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेसिफिकली बॉटनी, बॉटनी या जू वाले भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ, तो ये देखिए एक के लिए ढूंढना पड़ेगा, आगे देखो वो चीटियों का घर। ये देखिए चीटियों का घर, और ये रहा यहाँ का ऑफिस, तो काफी अच्छा लोकेशन है ये। सो इस 30 तारीख को हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आई होप लोगों को काफी पसंद आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सफर में।